हेलो एवरीवन, मैं मिराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हम सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 4। 2023-24 का पेपर है जामिया बीएड का सेट सी। इससे पहले आपको 3 वीडियो मिल चुकी हैं जो कि क्वेश्चन जो फर्स्ट जो लेक्चर था वो लैंग्वेज का था, सेकेंड करंट अफेयर और थर्ड जो है रीजनिंग का। आपको ये मिल गई और आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने देख भी ली होंगी, है ना। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि सेट सी में क्वेश्चन नंबर 68 to 110 तक पूछा गया था। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ऐसे मोटी मोटी बुक पढ़ के आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बहुत बहुत मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी। बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले तो अपने आप को एक टीचर मानिए, स्टूडेंट नहीं। मानिए कि आपका बीएड हो गया है, आपका सीटेट भी हो गया है, फिर आपने जो वैकेंसी आई आपने फॉर्म फिल किया और आप टीचर बन गए, है ना। जॉब लग गई है, आप क्लास में हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं। बस ऐसा माहौल क्रिएट करिए, है ना, कि सोचिए थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर उसके बाद में मतलब आपको सोचना है कि आप एक आइडियल टीचर हैं। टीचर तो हैं लेकिन कैसे हैं एक आइडियल टीचर। आइडियल टीचर को क्या होता है, जिसे बच्चे कॉपी करते हैं। जैसे मान लो आपके भी कोई आइडियल टीचर रहा होगा स्कूल लाइफ में, जैसे हो सकता है लड़कों लड़के तो ये भी करते हैं कि हेयर स्टाइल तक जो है कॉपी कर लेते हैं अपने सर के, कि मुझे ये सर अच्छे लगते हैं, वो जो हेयर स्टाइल यूज़ करेंगे, मतलब जो हेयर स्टाइल रखेंगे वैसे ही आप भी, आपने भी रखा होगा। तो ऐसे आइडियल टीचर वो तो खैर एक अलग बात होती है, लेकिन आइडियल टीचर का मतलब होता है कि जो बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे का फायदे के लिए वो अपना फायदा ना देखे, है ना। अगर उसका थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है तो झेल ले, लेकिन बच्चे का फायदा होना चाहिए। ये एक आइडियल टीचर होता है जो बच्चों को कभी गलत नहीं मानेगा, बच्चों को पनिश नहीं करेगा, बच्चों को डांटेगा नहीं। चाहे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, बच्चा आतंक मचा रहा है पूरी क्लास में, लेकिन बच्चे को वो डांटेगा नहीं, बच्चे को वो कुछ भी पनिश नहीं करेगा। तो ये होता है आइडियल टीचर। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सिर पर बिठा के नचाएगा, नहीं, उसका रीजन जानेगा कि बच्चा, अगर मान लो कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है, बच्चा लेट आ रहा है, या फिर बच्चा क्लास में बैठ के टिफिन अपना खा रहा है लंच ब्रेक से पहले, तो आप उसका रीजन फाइंड आउट करेंगे। बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, इसका क्या रीजन रहा होगा, तो हमें रीजन जानना है पहले। और आइडल टीचर ये करता है, सीधा डंडा नहीं उठा लेता पीटने के लिए। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं। सबसे पहले अपने आप को टीचर मानिए, एक आइडियल टीचर मानिए। और बच्चा क्या है, जैसा आपने, मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको। आपने एक ड्रामा देखा होगा जो कि आता था उसका अलादीन का चिराग, है ना। तो अलादीन के चिराग में वो क्या होता था, जिन की जो अलादीन था वो उसको ऑर्डर करता था, वो ऑर्डर देता था, और जिन क्या कहता था, जी जी हुक्म मेरे आका, है ना। तो ऐसे ही कुछ बच्चे के साथ सीन होता है टीचर का। जैसे टीचर के लिए वो आका तो नहीं होता, तो लेकिन क्या होता है कि जो बच्चा अगर कुछ कहता है तो टीचर का क्या रिप्लाई होता है, जी जी अच्छा अच्छा ठीक है, आपको भूख लगती थी, ओ ठीक है हम देखते हैं, अरे मतलब आप लेट आए, नहीं 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 आपकी गलती तो हो ही नहीं सकती, अच्छा आप रीजन फाइंड करेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमने और भी पेपर देखे जामिया के एनालिसिस का किया टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इस बार जो लेवल था वो इंक्रीज किया था। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आते थे, इस बार 42 आए। डाइट से भी क्वेश्चन डाला, एनसीईआरटी से भी डाला, सीबीएसई भी डाला, तो पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। और दूसरी बात, इसने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेंदी बना दिए, मतलब बच्चों को ऑप्शन पढ़ने में भी टाइम लगे। इतना एक एक क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो शॉर्ट हो और एकदम से उसे देखते ही आंसर निकल आए, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ा इस पेपर में। तो अब वो ऐसा टाइम नहीं है कि आपने एक दो महीना पढ़ा और हो गया, आपको प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। हर 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 यूनिट की, हर यूनिट के डेप्थ में आपको जाना होगा, तब तब सोचेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। तो चलिए, आपने जो मेरे टिप्स थे, जो मेरी ट्रिक्स थी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, हालांकि मैंने कंप्लीट तो नहीं बताया है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं जो मैं सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगी, तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा एक क्लास में मैं आपको सारा बता दूं, या फिर जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसमें मैं सारा बता दूं, क्योंकि फिर टाइम बहुत चला जाता है और वीडियो जो है वो लेंदी बन जाती है। बहुत बहुत लंबी वीडियो ना बने, इसके लिए मुझे ध्यान रखना होता है, और मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही आपको ये कराने की कोशिश करूंगी, कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हालांकि जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो हम उसमें डिटेल में ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। Which of the following is an example of synchronous online
लर्निंग जहां जहां जरूरत होगी मैं वहां पिक्चर के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले करंट अफेयर्स की क्लास में आप देख चुके हैं, तो हमें बताना है सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन नंबर ए ईमेल, ऑप्शन बी फाइल अटैचमेंट, ऑप्शन सी रिकॉर्डेड वीडियो, या ऑप्शन डी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो सिंक्रोनस ऑनलाइन है वो क्या होता है। तो देखिए सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग होता है और असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, सेम टाइम पे टीचर पढ़ा भी रहा होता है और बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं। जैसे अभी ये वीडियो है, ये मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप नहीं पढ़ रहे हो, ये रिकॉर्ड होगी फिर अपलोड होगी फिर आप पढ़ेंगे। तो जो कोई बच्चा अपलोड होने के एक घंटे के बाद देखेगा, कोई एक दिन के बाद देखेगा, कोई हो सकता है कि अब से आने वाले एक महीने के बाद देख रहा हो। तो ये जो होगा मतलब सेम टाइम पे हमारी क्लास लर्निंग प्रोसेस नहीं चल रहा है, टीचिंग और लर्निंग एक साथ नहीं चल रही है। तो जब एक साथ नहीं चल रही होती है टीचिंग और लर्निंग, उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। मतलब रियल टाइम पे यहाँ वर्क नहीं हो रहा होता है, लर्निंग टीचिंग नहीं हो रही होती है, यहाँ रियल टाइम पे काम हो रहा होता है। मतलब जब टीचिंग होगी और जब टीचिंग होती है तभी उसी टाइम पे लर्निंग भी होती है। जैसे मान लो कि यही वीडियो अगर मैं रिकॉर्डेड ना देके अगर मैं लाइव कराती तो जैसे जब मैं पढ़ाती तभी आप पढ़ते, है ना, उसी टाइम पे। तो ये हो जाता सिंक्रोनस। तो अब आपको देखना है कि सिंक्रोनस में क्या ईमेल आ जाएगा। अब बताएं कि जब हम मेल करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला भी उसी टाइम पे मेल ओपन करके देख लेगा, तो ये नहीं होगा, है ना। आज हम मेल करते हैं, हो सकता है एक हफ्ते के बाद ही देखे वो। फाइल अटैचमेंट भी नहीं होगा। ऑप्शन सी रिकॉर्डेड वीडियो किसमें चली जाएगी, एसिंक्रोनस में, क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तो हो सकता है आप एक महीने के बाद देखें। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें टीचर मतलब लर्निंग और टीचिंग एक साथ चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। फैमिली इज अ मीन्स ऑफ, मतलब फैमिली साधन है कौन सा, फॉर्मल एजुकेशन का, इनफॉर्मल एजुकेशन का, डिस्टेंस एजुकेशन का, या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल होता है जहाँ फॉर्मेलिटी होती है, जहाँ एक बाउंड्री होती है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, फिक्स टाइम होता है, जैसे कि स्कूल, जैसे कि कॉलेज, जैसे कि यूनिवर्सिटी। और आपको वहाँ जाके क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, रिजल्ट मिलता है ना, मार्कशीट मिलती है। तो ये आ जाता है फॉर्मल में। एक बिल्डिंग होगी, प्रॉपर बिल्डिंग होगी, उसमें क्लास होगी, टीचर भी टाइम से आएगा, हम टाइम से, अगर 9 बजे इंग्लिश की क्लास होगी तो 9 बजे होगी, है ना। तो ये हो जाता है फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होगा, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, है ना, हर टाइम लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मान लो कि आप चाय के ढाबे पे बैठे हैं यहाँ पर दो चार दोस्तों के साथ, है ना, लड़कियां ना लें, लड़कियां नहीं बैठे, अगर बैठते भी नहीं होंगी तो, मतलब लड़के क्या है, मान लो कि आप जो है बैठे हैं चाय पी रहे हैं, तो एक दोस्त ने आपको बातों बातों में एक ऐसी बात बोल दी, एक ऐसी लाइन बोल दी जो आपको नहीं पता थी, मतलब किसी के बारे में, मतलब मान लो कि जब डिस्कस होता है तो कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको नहीं पता थी, तो आपने उससे भी सीखा। तो ये आ जाता है इनफॉर्मल। फिर सीखने के बाद में वो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, आप उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगे कि मैंने सीख लिया, लाओ सर्टिफिकेट दिखाओ दो मुझे, नहीं, वो सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। तो यहाँ कोई क्वालिफिकेशन काम नहीं करती, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती, यहाँ कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता। तो ये होता है इनफॉर्मल और ये लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग होती है तो वो नॉन फॉर्मल में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि परिवार क्या है, क्या परिवार, मतलब जाहिर सी बात है हम परिवार में सीखते हैं और हमेशा सीखते हैं, तो फॉर्मल में तो नहीं आएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि जो है हमारे पापा 9 बजे हमारी क्लास हमें बिठा के हमें सिखाते हैं और उनका फिक्स टाइम है 9 बजे, हमें कोई भी बात सिखाते हैं तो वो 9 बजे सिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा परिवार जो है, जो फैमिली है, फॉर्मल में नहीं जाएगी, वो किस में चली जाएगी, इनफॉर्मल। वहाँ कोई बाउंड्री नहीं, वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, जो मन करें तब सीखो। क्वेश्चन नंबर 70, इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू क्लास लेट यू विल, मैंने अभी आपको बोला आप टीचर हैं और कैसे टीचर है, एक आइडियल टीचर, है ना, आइडियल टीचर, तो क्या करना है, पनिश तो करना ही नहीं है उसको, एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इजीली हो जाएगा। जो आप लगता है कि क्वेश्चन तो होगा ही नहीं वो फौरन से एलिमिनेट करिए, और नेगेटिव पॉजिटिव का आपका ध्यान रखना है, पनिश जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है जो कि आंसर नहीं होता।
इन्फॉर्म द पेरेंट्स, देखिए ये बच्चे का मामला है और आपका मामला है, किसी भी ऑप्शन में अगर इन्फॉर्म द पेरेंट्स आता है, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल आता है तो वो आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ना प्रिंसिपल का मैटर होता है ना पेरेंट्स का मतलब होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, फाइंड आउट द रीजन, बिल्कुल हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे, इग्नोर हम करेंगे नहीं, क्योंकि इग्नोर क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है, हम आइडियल टीचर हैं और आइडियल टीचर कभी नहीं इग्नोर करेगा बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ आर एनालॉजीज मोस्ट हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब जो एनालॉजीज हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं टीचिंग और लर्निंग में, शिक्षा और सीखने में उपमाएं सबसे अधिक सहायक कैसे हैं। ऑप्शन नंबर ए, दे मेक द अनफैमिलियर सिचुएशंस फैमिलियर, या ऑप्शन बी, दे मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी, दे इंकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, या ऑप्शन डी, दे एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं। तो इसका देखिए, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एनालॉजीज क्या होती हैं। एनालॉजीज मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट ऐड किए हैं या फिर कोई पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ। टाइम बचे, द एनालॉजी मेथड इन द क्लासरूम इज द टीचिंग ऑफ न्यू टॉपिक बाय कनेक्टिंग इट विद फैमिलियर इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम एनालॉजी मेथड अपनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे की हम प्रीवियस नॉलेज से हम न्यू टॉपिक जो है लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल से सुनिए, द ओल्ड एज इज द इवनिंग ऑफ द लाइफ, कैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड एज कैसा है, कि वो एक जो लाइफ है उसकी वो इवनिंग है, मतलब आपने इवनिंग वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इवनिंग बच्चा जानता है कि इवनिंग क्या होता है, शाम होता है ना, जहां जो दिन होता है वो खत्म होने के कगार पे आता है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एनालॉजी क्या होता है ना, तो एनालॉजी मेथड क्या होता है, तो एनालॉजी मेथड होता है, क्लासरूम इज द टीचिंग ऑफ अ न्यू टॉपिक बाय कनेक्टिंग इट विद फैमिलियर इंफॉर्मेशन, मतलब जो बच्चा जिस इंफॉर्मेशन से फैमिलियर है तो उससे क्या करना है, कनेक्ट करना है न्यू इंफॉर्मेशन को। जैसे द ओल्ड एज इज द इवनिंग ऑफ द लाइफ, आपको पता है कि ओल्ड एज समझाना है बच्चे को, तो कैसे समझाएं, आपने एग्जाम्पल दे दिया इवनिंग का, तो आपको पता है कि इवनिंग बच्चा जानता है, फैमिलियर है, इवनिंग क्या होता है, जो दिन होता है उसका एंड होता है, तो जब बच्चे को बताएंगे कि जो ओल्ड एज है वो लाइफ का, लाइफ की क्या है, इवनिंग है, तो बच्चा समझ जाएगा कि ओल्ड एज लाइफ की क्या है, एंडिंग है, एंड है लाइफ का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हो गया, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, दे मेक द अनफैमिलियर सिचुएशन फैमिलियर, मतलब अनफैमिलियर सिचुएशन को लिंक करते हैं फैमिलियर सिचुएशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स, मतलब क्या है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के जानवर और उनकी आदतें पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी, मतलब आप चाहते हैं कि जो जानवर हैं उनके बारे में, जानवर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सबके बारे में बच्चों को पता चले, आपकी क्लास के बच्चे जो हैं उनको सीखे, तो वो कैसे आप उनको सिखाएंगे, जानवरों के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, या फिर छात्रों को विभिन्न जानवरों के चित्र दिखाएंगे, या फिर ऑप्शन सी है, जानवरों की उपयोगिता पर एक कक्षा चर्चा आयोजित करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, छात्रों को चिड़ियाघर की सैर पर ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लें कि आपने बच्चों को बोला कि ऐसे लिखिए, किसी मतलब आपने जानवर बता दिया, जैसे आपने काऊ पे बोला कि आप ऐसे लिखिए, तो बच्चा मतलब उसने नहीं देखा है, पिक्चर भी उसने जो है नहीं देखा है, तो वो मुश्किल से मतलब वो बुक पढ़ेगा, वहाँ से थोड़ा सर्च करेगा, और जब उस पर लिखेगा तो हो सकता है उसने 10 लाइन रटी हो और उसमें से वो सिर्फ 5 लाइन ही जो है लिख पाए, है ना। फिर आपने सेकंड क्या किया कि उसको एक एक जो है फोटो दे दिया, मतलब पिक्चर दे दिया, किसका, काऊ का, उससे बोला कि इसको देखकर आपको जो लिखना है वो काऊ पे ऐसे लिखना है, तो वो जब पिक्चर देखेगा तो वो उसको, मान लो कि उसने किसी कॉपी से देखा भी नहीं, किसी बुक से उसने नहीं देखा, लेकिन वो हो सकता है कि वो रट के अगर 5 लाइन लिख रहा था तो वो बिना रटे वहां हो सकता है कि 8 लाइंस उस पे वो लिख दे, है ना, पिक्चर देख के। फिर आपने क्या किया कि बच्चों को आप ले गए
चिड़ियाघर है ना, ये चिड़ियाघर जैसे लिखा है, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आप वहां ले गए, बच्चे ने खुद देखा काऊ क्या है और मतलब बाकी एलिफेंट क्या है ये सब, और आपने बोला कि इन पर किसी एक पर आप ऐसे लिखो, तो बच्चा ना ही बुक की हेल्प लेगा और ना ही फोटो की हेल्प लेगा, वो जो देख कर आया तो वो हो सकता है कि वो 8 नहीं 10 नहीं, कम से कम वो आपको हो सकता है कि 15 लाइन्स वो लिख कर दे दे, क्यों, उसने ज्यादा अपना मतलब सीधा ऑब्जर्व किया, उसने देखा। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ नहीं होता, स्टोरी सुनाएंगे बच्चा फिर बाद में भूल जाएगा, पिक्चर से भी कुछ हो सकता है ठीक, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन था वो था कि टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ विजिट टू टू द जू, मतलब आप खुद चिड़ियाघर ले गए, बच्चों ने देख लिया और बच्चे फिर उससे ज्यादा याद कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रेशनल रैशनल टू द टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज, निम्नलिखित में कौन सा समूह गतिविधियों के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन नंबर ए दे मेक लर्निंग फन, या ऑप्शन बी दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, या ऑप्शन सी ग्रुप एक्टिविटीज आर इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड इवेलुएट, या ऑप्शन डी दे आर हेल्पफुल इन कवरिंग द सिलेबस इन टाइम। मतलब क्या है कि वे सीखने को मजेदार बनाते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं कि बच्चे को जो है ग्रुप में सिखाना चाह रहे हैं, ग्रुप बना दिए और उसमें सिखाना चाह रहे हैं, तो वो किस चीज में हेल्प करेगा कि वो मतलब मजेदार बनाएगा सीखने को, या फिर सीखने का अवसर देगा छात्रों को एक दूसरे से, या फिर व्यवस्थित करना मूल्यांकन करना आसान है, या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर देगा। तो पाठ्यक्रम जैसा कुछ हम मानते नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में कि सिलेबस को कवर करना है या फिर जो है टाइम पे सिलेबस कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी तो हमारा होगा नहीं, और जो है फन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ग्रुप एक्टिविटीज आर इजियर टू ऑर्गेनाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी करना नहीं, इजी जो है ऑर्गेनाइज करना नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हम ग्रुप में बच्चों को सिखाते हैं तो जो ग्रुप होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे की क्वालिटी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाई टीचर्स, मतलब इनमें से कौन है, कौन सा ऐसा मतलब प्रैक्टिस है, प्रथा है जो कि टीचर्स को नहीं अपनानी चाहिए या नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गिव एग्जाम्पल्स दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद, और या ऑप्शन बी बिगिन द क्लास विद स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, या ऑप्शन सी पे क्लोज अटेंशन टू स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, या ऑप्शन डी आस्क क्वेश्चन ओनली व्हेन दे हैव फिनिश्ड टीचिंग आर चैप्टर। मतलब क्या करेंगे कि आप तब क्वेश्चन पूछेंगे जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि वेट किया कि पूरा चैप्टर हो जाएगा तब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चा अटेंशन नहीं रख पाएगा पूरा चैप्टर, उसको बच्चे को पता है कि आप पूरा चैप्टर होने के बाद ही पूछेंगे, तो वो चैप्टर के बीच में उसका अटेंशन खत्म हो जाएगा। और अगर बीच बीच में आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं बच्चे से, किसी भी बच्चे को उठा के क्लास में, तो बच्चे का अटेंशन बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी जो है हमारा नहीं होगा इसका, मतलब नोट पूछा है तो आंसर तो यही हो गया ठीक है। ऑप्शन ए गिव एग्जाम्पल दैट स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो बच्चा क्या करेगा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, रिलेट करेगा। ऑप्शन बी बिगिन द क्लास विद स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल मैंने बताया भी था कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है उससे हमें लिंक करते हुए जो न्यू टॉपिक होता है वो स्टार्ट करना होता है, और जो बच्चे की जो मिस्टेक होती है उन पर हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक दैट यू वुड एसोसिएट विद एन इफेक्टिव टीचर, मतलब इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है जिसे आप प्रभावी अध्यापक के साथ जोड़ेंगे। इफेक्टिव टीचर्स, इफेक्टिव टीचिंग, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विलिंग टू लर्न, या ऑप्शन बी ओपन माइंडेड, या ऑप्शन सी ऑथोरिटेरियन, या ऑप्शन डी एक्सेसिबल। मतलब कौन ऐसा, मतलब एक प्रभावी अध्यापक नहीं हो सकता, इन तीन है एक ऐसी क्वालिटी है जो प्रभावी अध्यापक के साथ नहीं जुड़ेगी। ऑप्शन ए सीखने के इच्छुक, बिल्कुल जो जो विलिंग टू लर्न होता है वो इफेक्टिव टीचर होता है। ऑप्शन बी ओपन माइंडेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन नहीं होगा। ऑप्शन डी एक्सेसिबल, मतलब जो बच्चा पूछ रहा है वो कभी भी आगे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ लिमिटेशन है, बाउंडेशन में बच्चे को रख दिया कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं, जब बच्चा चाहे वो आके पूछे, अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए एज ए टीचर। तो
तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन, हिटलरवादी नहीं बनना है ना हिटलर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर है, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन द सेम मैनर एंड शुड बी टॉट सिमिलरली, सब बच्चे सेम होते हैं, मतलब सब बच्चों में क्वालिटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए सारे बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब उसका जो मेथड होना चाहिए टीचर्स का, वो एक ही मेथड से सारे बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते, उनकी क्वालिटी सेम नहीं होती, तो जब बच्चे अपने, हर बच्चा क्या है, अपने आप में यूनिक है, तो उनका जो सीखने का तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, तो हमारा ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, द फियर ऑफ एग्जाम इज अ गुड मोटिवेशन फॉर लर्निंग, नहीं होगा, एग्जाम का फियर बच्चों को डिमोटिवेट ही करता है, मोटिवेशन उसमें नहीं लाता। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन लर्न बाय रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद देयर प्रीवियस नॉलेज, या ऑप्शन डी है, चिल्ड्रन बिगिन टू फ्रॉम एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस इवेंट फ्रॉम ओनली आफ्टर स्टार्टिंग स्कूल, कि बच्चा जो होता है तभी सीखता है जब वो इवेंट मतलब जब स्कूल स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसे वो लिंक करता है अपनी न्यू नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रैशनल टू बी गिवन इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के बारे में आपको बताना है कि टीम टीचिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर है, स्टूडेंट गेट द बेनिफिट ऑफ वेरिड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। ऑप्शन बी, द स्ट्रैटेजी इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऑप्शन सी, स्टूडेंट गेट अ चांस टू आस्क मोर क्वेश्चन, या ऑप्शन डी, द स्ट्रैटेजी इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव बाय एजुकेशनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आचरण के पक्ष में दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त तर्क है, टीम शिक्षण के बारे में आपको बताना है। टीम शिक्षण क्या होता है, टीम टीचिंग क्या होता है, जब एक क्लास में एक मतलब एक क्लास में दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा टीचर एक साथ बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो होता है टीम टीचिंग। ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये मैम ने कुछ लिखा है ना, इनके हाथ में मार्कर है, मतलब इन्होंने कुछ लिखा और ये जो सर है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब एक ही क्लास में दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये टीम टीचिंग होता है। कोई ऑब्जर्व करता है, कोई लिखता है, कोई बच्चों को एक्सप्लेन करता है, तो वो टीम टीचिंग होता है। इससे क्या होगा, क्या इससे मेंटेनिंग डिसिप्लिन होगा, नहीं, इससे मतलब डिसिप्लिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मेथड से हम डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू आस्क मोर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा कि एजुकेशनिस्ट से मतलब क्या होता है कि प्रोग्रेसिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, स्टूडेंट गेट द बेनिफिट ऑफ वेरिड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स, मतलब बच्चे का मान लो कि ये किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और मान लो कि ये किसी कोई स्किल्स इनमें है जो कि इनमें नहीं है, बच्चा क्या करेगा, इनसे भी मतलब इसको बेनिफिट होगा और इनसे भी होगा, एक ही बच्चे को किससे मिल रहा है, इनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है और इनसे भी सीखने का इसको मौका मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दे आर क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड फ्रॉम मेमोरी। ऑप्शन बी, दे रिक्वायर्ड इमेजिनेटिव थिंकिंग, या ऑप्शन सी, दे कैन यूजली बी आंसर्ड इन यस और नो। ऑप्शन डी, दे यूजली हैव वन करेक्ट आंसर, मतलब क्या है इसका, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है। ओपन एंडेड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ओपन एंडेड पे क्या होगा, पॉइंट से आपको बाहर की तरफ सोचना है, ठीक है, और क्लोज एंडेड क्या होता है, ये पॉइंट है और आपको पॉइंट की तरफ ही सोचना है, मतलब क्या कि आपको फिक्स कर दिया जाता है यस और नो में। इसको हम जो कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, और इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से आपको
मतलब इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा, इसका आंसर फिक्स नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यस और नो ही होता है, फिक्स होता है, एक वर्ड में आंसर देना होता है। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि रेड फोर्ट दिल्ली में है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? तो यस है ना। तो वैसे ही अगर आपसे बोला जाए कि रेड फोर्ट के बारे में, मतलब एक रेड फोर्ट पे ऐसे लिखो, तो यहाँ आपको कोई एक वर्ड का आंसर नहीं होगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो यहाँ पर काम करेगी, डाइवर्जेंट में या फिर ओपन एंडेड में। तो ओपन एंडेड का कोई फिक्स नहीं होता, आंसर फिक्स नहीं होता, यहाँ बच्चे का आंसर अलग अलग होते, सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, उनका जो आंसर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड में या कन्वर्जेंट में आपको फिक्स कर दिया जाता है, एक ही पॉइंट पर आपको यस और नो या फिर एक वर्ड में होता है, तो यहाँ बच्चों के जो आंसर होते हैं वो भी फिक्स होते हैं ना, यहाँ कोई थिंकिंग का मतलब नहीं होता। तो इसमें जो है क्वेश्चन, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। मेमोरी मतलब रटाफिकेशन होता है, नहीं, कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट पर काम करता है। दे रिक्वायर्ड इमेजिनेटिव थिंकिंग, बिल्कुल इमेजिनेशन होता है। यूजली आंसर इन यस और नो, ये होता है क्लोज एंडेड में। और ऑप्शन डी, दे यूजली हैव वन करेक्ट आंसर, तो ये भी होता है हमारा क्लोज एंडेड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, You get to know that a student of your class has lost both her parents to COVID. How would you treat this child? आपको पता चलता है कि कक्षा की एक छात्रा ने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खो दिया है, कैसे आप इस बच्चे का इलाज करेंगे? मतलब इलाज का मतलब कैसे इस बच्चे का आप केयर करेंगे या ट्रीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, असाइन हर लेसर एंड इजियर वर्क। ऑप्शन बी, प्रोवाइड हर विद केयरिंग एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। या ऑप्शन सी, गिव हर लोट ऑफ गिफ्ट। ऑप्शन डी, ट्रीट हर एट और विद अदर स्टूडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स को खोया है क्या खोया, जैसे सारे बच्चे हैं वैसे आपके लिए ये भी बच्ची है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी, गिव हर लॉट ऑफ गिफ्ट, देने से क्या होगा, वो कुछ दिन उसको यूज करेगी फिर उसके बाद में वो खत्म हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। असाइन हर इजियर वर्क, मतलब उसका जो काम होगा, उसे जो हम वर्क देंगे, जो असाइनमेंट वगैरह होंगे वो थोड़ा इजी देंगे बाकी बच्चों से, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा, हम उसे क्या क्या देंगे, एक स्टेबल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर मोस्ट फोकस ऑन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली। मतलब छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, टीच स्टूडेंट द ट्रिक्स टू गेट बेटर मार्क्स। बेटर मार्क्स, रिजल्ट ओरिएंटेड हम बात नहीं करते, ये निगेटिव वर्ड होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो जब हम कंसेप्ट बच्चों को सिखाते हैं तो वो बेटर मार्क्स को खुद ही ले आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, कोई ट्रिक्स हम नहीं सिखाएंगे। ऑप्शन बी, इंश्योर दैट स्टूडेंट इंगेज विद द कंसेप्ट, बिल्कुल कंसेप्ट हम सिखाएंगे, तो ऑप्शन हमारा हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनकरेज स्टूडेंट टू मेमोराइज द आंसर, रटाफिकेशन उसे नहीं कराएंगे, ये नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन डी, हैंड आउट डिटेल नोट टू स्टूडेंट, मतलब उसे क्या दे देंगे कि नोट्स दे देंगे, तो ये नोट्स देना और मेमोराइज करवाना, रोट लर्निंग कराना, ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होते हैं जो कि हमारे आंसर नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डिजायरेबल क्लासरूम प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाई टीचर। मतलब क्या है, निम्नलिखित में तो कौन सा एक वांछनीय कक्षा अभ्यास शिक्षकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडिंग द क्लास इंटू ग्रुप्स, मतलब क्लास को क्या कर देना है, ग्रुप में बांट देना है, कॉल्ड ब्राइट वीक एंड स्टूडेंट, ठीक है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बच्चों को डिवाइड कर देंगे ब्राइट में, एवरेज में, या फिर जो है यहाँ पर वीक में, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चल रही हूँ क्योंकि फिर जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो ऑप्शन है हमारा, मतलब हम बच्चों को कोई भी कैटेगराइज नहीं कर सकते बच्चों को, वरना जो ब्राइट स्टूडेंट को आपने कैटेगराइज किया है ना, वो आधी क्लास से तो बात ही करना बंद कर देगा और अपने आप को क्या क्या समझेगा, 30 मार्क आए ना, तो वो बाकी बच्चों को अपने से बहुत लो समझेगा और वो कभी बात ही नहीं करेगा बच्चों से। तो हमें किसी बच्चों का ऐसे ब्राइट वीक या इसमें नहीं डिवाइड करना है। ऑप्शन बी, इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट्स ओनली स्पीक इन द लैंग्वेज विच इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। मतलब आप बच्चों से बोलेंगे कि इसी लैंग्वेज में आपको बात करना है जो कि हमारी स्कूल का मीडियम है, तो ये भी नहीं होगा।
फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ऑप्शन सी, डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर. मतलब आप क्या करेंगे, अगर बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे. डिस्करेज हम करते ही नहीं किसी बच्चों को, है ना. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी, आस्किंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द क्लासरूम रूल्स. आप चाह रहे हैं कि आपकी क्लास, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करे बच्चा, जो मतलब क्या कर रहे हैं, फ्रेम हो रहा है क्लासरूम, है ना, रूल्स रेगुलेशन को लेके, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करवाएंगे बच्चे से. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलेवेंट रीजन फॉर प्लानिंग ऑफ द लेसन बाई टीचर. मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों की पाठों की योजना बनाने का सबसे कम प्रासंगिक कारण है. ऑप्शन नंबर ए, हेल्पफुल इन टाइम मैनेजमेंट. ऑप्शन बी, हेल्पफुल इन गिविंग डायरेक्शन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ऑप्शन सी, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट. या ऑप्शन डी, हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ करिकुलर ऑब्जेक्टिव. मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो इनमें से तीन तो ऐसे ऑप्शन हैं जो लेसन प्लान से आपको वो इजी हो जाएगा या फिर वो फिट बैठेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो लेसन प्लान से कोई लेना देना नहीं है, तो वो होगा हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट. इसका कोई लेना देना लेसन प्लान से नहीं है, क्योंकि लेसन प्लान आप बना रहे हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो, मतलब कितने क्या सिलेबस है, कितने उसमें चैप्टर हैं, कितने उसमें आपको लेक्चर देने हैं, कितनी क्लास लेनी पड़ेगी और किस टाइम तक आपको वो कंप्लीट कराना होगा. तो इससे आपको, जब आप ये सब प्लान कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प हो जाएगी. तो ऑप्शन ए तो होगा. ऑप्शन बी, डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन मिलेगी आपको कि कब क्या कराना है. ऑप्शन डी भी होगा कि इसमें करिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है आपको वो टारगेट करने में आपका हेल्प होगी. तो ऑप्शन सी नहीं होगा, इससे बच्चों का इनरोलमेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी टू मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच अ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क टू स्टूडेंट. मतलब क्या है कि छात्रों को, मतलब हमने आपकी जो क्लास है उसमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क है, तो आप कैसे कराएंगे उन्हें, मतलब एक्सप्लेन द स्टेप, मतलब आप स्टेप बता देंगे उसको कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये नहीं होगा. ठीक है. ऑप्शन बी, प्रोवाइड रेफरेंस एंड रीडिंग मटेरियल्स. मतलब आप बोलेंगे कि जो है रीडिंग लगाओ, मटेरियल्स कलेक्ट करो, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी, अनाउंस अ रिवार्ड फॉर द स्टूडेंट हु मैनेज टू कंप्लीट इट फर्स्ट. मतलब आप बताएंगे कि मतलब जो बच्चा पहले कर लेगा उसे रिवार्ड मिलेगा, नहीं ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी, ब्रेक अप द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप एंड ऑफर हेल्प. मतलब क्या करेंगे कि जो भी जो मतलब प्रोसेस है उसको आप क्या करेंगे, स्मॉलर स्टेप में आपको ब्रेक कर देंगे और एक एक स्टेप उनको बताएंगे, उनकी हेल्प करेंगे एक एक स्टेप पे. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स इन स्कूल. मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक आयोजन स्कूलों में कार्यक्रम का वांछनीय शैक्षिक उद्देश्य नहीं है. मतलब आपके स्कूल में क्या हो रहा है, या मतलब आप क्या करा रहे हैं, एक कल्चरल इवेंट करा रहे हैं, तो वो किस में कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव होगा. ऑप्शन नंबर ए, टू एनकरेज स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म वन अनदर. मतलब बच्चों से क्या बोलेंगे कि एक दूसरे से कैसे आप बेहतर कर रहे हो, इसलिए आप करा रहे हो ऑर्गेनाइज, या फिर टू आइडेंटिफाई टैलेंट, बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए करा रहे हैं, या फिर ऑप्शन सी, टू इनकलकेट रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उससे क्या हो कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चा रेस्पेक्ट करना सीखता है. ऑप्शन डी, टू प्रमोट सोशल कोलैबोरेशन. नोट पूछा है ना, तो नोट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.
टू एनकरेज स्टूडेंट टू आउट परफॉर्म वन अनदर, मतलब एक दूसरे में हम कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते बच्चों को कि देखेंगे कौन बच्चा कितना अच्छा कर लेगा, कौन बच्चा अच्छा करता है, ऐसा हम बच्चों में कॉम्पिटिशन नहीं कराएंगे, ठीक है। बाकी रेस्पेक्ट भी करना सीखता है, सोशल कोलाबोरेशन भी आता है और टैलेंट भी आइडेंटिफाई होता है, हिडन टैलेंट सामने निकल के आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, द टीचर हैज नॉट टॉट अंटिल द स्टूडेंट हैज लर्न, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब शिक्षक ने तब तक नहीं पढ़ाया जब तक बच्चा सीख नहीं लेता, तो उस विकल्प का चयन करें जो इस कथन के केंद्रीय विचार को प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए टीचिंग एंड लर्निंग टूगेदर, ऑप्शन बी वन कैन नेवर बी श्योर वट एवर वेदर स्टूडेंट हैज लर्न और नॉट, नहीं कहा जा सकता कि बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा। ऑप्शन सी टीचर्स जॉब इज टू टीच एंड नॉट टू इंश्योर दैट स्टूडेंट लर्न, मतलब टीचिंग क्या है, टीचिंग जॉब क्या है, पढ़ाना है, फर्क नहीं पड़ता सीख रहा है बच्चा या नहीं सीख रहा है, बस टीचर का काम है पढ़ाना। ऑप्शन डी टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं है और ये फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, टीचर का काम होता है कि जब तक वो बच्चा नहीं सीख जाता वो आगे नहीं बढ़े। और ऑप्शन बी वन कैन नेवर बी श्योर वेदर स्टूडेंट हैज लर्न और नॉट, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो लर्निंग है जो टीचिंग है वो साथ साथ चलती है, मतलब शिक्षक ने तब तक नहीं पढ़ाया जब तक बच्चा सीख नहीं लेता, मतलब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे से जानता भी है कि उसने सीखा है नहीं सीखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसिडर टू बी एन एम ऑफ एजुकेशन, मतलब आप किसको एजुकेशन का उद्देश्य नहीं मानेंगे, शिक्षा का उद्देश्य नहीं मानेंगे। टू प्रिपेयर इनफॉर्म सिटीजन, ऑप्शन बी टू प्रमोट सोशल बाई इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी टू मेंटेन कल्चरल प्योरिटी बाई रेसिस्टिंग ऑल चेंजेस इन सोसाइटी, ऑप्शन डी टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, जागरूक नागरिक तैयार करना, एकता की भावना पैदा करके सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी समाज में सभी परिवर्तनों का विरोध करके सांस्कृतिक शुद्धता बनाए रखना। तो ये तो होगा ही नहीं, विरोध तो हम करेंगे ही नहीं, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, यू फाइंड आउट दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज अ कंपल्सिव लायर एंड हैज नॉट गिवन अप हिज हैबिट डिस्पाइट योर एफर्ट, व्हाट वुड यू डू, मतलब एक बच्चा है जो आपकी क्लास में जो बहुत झूठ बोलता है और आपकी हजार कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं सुधरता, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिस अलाउ हिम फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल टिल ही इम्प्रूव हिज वेज, उसे स्कूल से निकाल देंगे और बोलेंगे कि जब तक सुधर नहीं जाओगे स्कूल मत आना, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा नहीं। सीक द हेल्प ऑफ स्कूल काउंसलर, या ऑप्शन सी कंप्लेन अबाउट हिम टू द प्रिंसिपल, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रिंसिपल को या हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, ऑप्शन डी इग्नोर हम करेंगे नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काउंसलर को बुलाएंगे, उसकी काउंसलिंग करवाएंगे कि कोशिशों के बावजूद भी वो क्यों नहीं सुधर रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 88, वैल्यूज आर कॉट एंड नॉट टॉट, सेलेक्ट द स्कूल प्रैक्टिस दैट इज मोस्ट इज इन कंसोनेंस विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब मूल्य अधिग्रहण किए जाते हैं सिखाए नहीं जाते, मतलब क्या है, वैल्यूज जो है हम खुद से सीखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो किसी को अगर हम मान लो हम कोई पढ़ा नहीं सकता, हम मोटी मोटी बुक ला के किसी को रख दें कि ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो उससे नहीं आती है वैल्यू। तो इसमें यही पूछा है कि वैल्यू जो है आर कोट, मतलब कैच की जाती है सिखाई नहीं जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेक्चर बाई होली मैन एंड वुमेन, आपको पहले ही इसमें बता दिया है कि कैश किया जाता है, पढ़ा जो है टॉट नहीं किया जाता, तो आप लेक्चर नहीं दिलवाएंगे किसी से भी। ऑप्शन बी इंक्लूजन ऑफ वैल्यू एजुकेशन एज अ थीम फॉर पोस्टर मेकिंग एंड वॉल मैगजीन कॉम्पिटिशन, आप क्या करेंगे कि पोस्टर बनाने और दीवार पत्रिका प्रतियोगिता के लिए एक विषय के रूप में मूल्य शिक्षा को शामिल करेंगे, ठीक है, आप पोस्टर वगैरह ये कंपटीशन करवाएंगे, तो जब तक बच्चा पोस्टर बनाएगा जब तक तो वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब बना रहेगा, पोस्टर एक बार उसने वॉल पर पेस्ट किया और घर आया वो भूल जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी स्कूल स्टाफ डिस्प्लेइंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इन देयर पर्सनल बिहेवियर, बिल्कुल आंसर यही होगा, जब हमारा स्कूल का पूरा स्टाफ जब वो खुद में
एक वैल्यूज वाला होगा, मतलब उनके अंदर खुद वैल्यू होगी कि वो खुद मतलब इतना अच्छा स्टाफ है, ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। तो बच्चा अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो झूठ बोलने से पहले सोचेगा कि यहाँ पर पूरा स्कूल झूठ नहीं बोलता है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू एजुकेशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक और बढ़ा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इंट्रोड्यूस एज सेपरेट सब्जेक्ट इन क्लास 6। मतलब आपको बताना है जो करिकुलम चलता है, सिलेबस चलता है, उसके बारे में क्या सही है। क्या 6 क्लास में आपको सेपरेट पढ़ाना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो? आपको लगता है कि 6 क्लास का बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ सकता है? तो ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, साइंस एंड सोशल साइंस आर इंटीग्रेटली टॉट एज इन्वायरमेंटल स्टडीज इन प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास में जो साइंस है, सोशल साइंस है, आपको वो अलग अलग नहीं पढ़ाना है, आपको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है जिसका नाम होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस आर इंटीग्रेटली टॉट एज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन क्लास 11। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को आपको एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है जिसका सब्जेक्ट का नाम होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो नाम तो ठीक है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ के रूप में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 11th क्लास की बात हो रही है। तो 11th क्लास में तो बच्चा इतना मेच्योर होता है, इतना बड़ा होता है कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग पढ़ सकता है, एक 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 सब्जेक्ट के रूप में, वो उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स एंड साइंस आर इंटीग्रेटली टॉट एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लास। एलिमेंट्री क्लास में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहिए। वो आपको लगता है एलिमेंट्री क्लास में पढ़ पाएंगे? छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। साइंस एंड सोशल साइंस जो है एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में पढ़ाना चाहिए छोटे बच्चों को, ठीक है, अलग अलग ना पढ़ा के। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस दैट यू वुड एसोसिएट विद अ टीचर टीचिंग अ बैच ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट लेस फ्रॉम द स्टूडेंट। ऑप्शन बी, ओमिट सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिलेबस दैट आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट। ऑप्शन सी, असाइन अ लोड ऑफ होमवर्क। ऑप्शन डी, बी फ्लेक्सिबल इन असाइनमेंट सबमिशन शेड्यूल्स। देखिए, अगर आप इसका क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे ना, सीधा अगर ऑप्शन भी पढ़ेंगे ना ऑप्शन, तब भी आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे? होमवर्क होता नहीं है, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ऑमिट सर्टेन पोर्शन ऑफ द सिलेबस दैट आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जो पार्ट है सिलेबस का, उसको ऑमिट कर दें। कैसे कर देंगे? मतलब परेशानियों से भागना नहीं है, आपका आपको सामना करना है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। एक्सेप्ट लेस फ्रॉम द स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल रहना है, पॉजिटिव वर्ड था फ्लेक्सिबल, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। मतलब ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जा रहा है? सेंसस। आप समझ सकते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 से 110 तक हम करेंगे पार्ट बी में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसी में कराया तो। तो यहाँ हमने क्वेश्चन कर लिए 90 तक, और उम्मीद है कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। इसका पार्ट बी भी आएगा, पार्ट मतलब सेकंड आएगा, तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।